आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डॉटर्स ऑफ डार्कनेस को, जो कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसका कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें स्टीफन दिखाया जाता है, जो कि अपनी न्यूली वेडेड वाइफ वैलरी के साथ यूरोप से होकर कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों ट्रेन में थे और उनकी बातों से पता चलता है कि स्टीफन एक बहुत ही ठाट फाट वाली फैमिली से था, जो कि यूनाइटेड स्टेट से वहां पर आए थे। और क्योंकि वो लोग अलग थे, स्टीफन की माँ उसको हमेशा ये बोलती थी कि वो लोग सबसे अलग है। ट्रेन अचानक से रुक जाती है और स्टीफन बाहर जाके चेक करता है और उसको ये पता चलता है कि सामने एक ट्रेन डिडेल हो गई है, इसलिए उन्हें ऑस्टन पे रात बितानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो लोग इंग्लैंड के लिए अगली बोट लेंगे। वैलरी फिर से स्टीफन को कन्विंस करती है कि वो अपनी माँ को उनकी शादी के बारे में बताए, पर स्टीफन बात को घुमाता है और वैलरी उससे ये पूछती है कि क्या वो घबराया हुआ है, जिसपे स्टीफन मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसे वो लोग ऑस्टन में पहुँचेंगे वो अपनी माँ को कॉल करके उनकी शादी के बारे में बता देगा। अगले दिन स्टीफन और वैलरी ऑस्टन के एक होटल में आते हैं और होटल के रॉयल स्वीट को बुक करते हैं। होटल का रिसेप्शनिस्ट और केयर टेकर पियर उन दोनों को बोलता है कि विंटर की वजह से उस जगह पे कोई भी नहीं है, और फिर पियर उनको रॉयल स्वीट की तरफ ले जाने लगता है। वैलरी स्टीफन को रोक के याद दिलाती है कि स्टीफन को अपनी माँ को कॉल करके उनके शादी के बारे में बताना था, और स्टीफन पियर को एक पेपर में लिख के देता है से देयर इज नो रिप्लाई और उसको एक नोट पकड़ा देता है। पियर फिर पेपर को अपने कोट के अंदर रख के उन दोनों को स्वीट की तरफ ले जाता है। स्वीट में सेटल होने के बाद पियर उन दोनों को कॉल करके बोलता है कि किसी ने भी उस नंबर पे कॉल नहीं उठाया, जैसे कि स्टीफन ने उसको बोला था, और फिर स्टीफन पियर को उसी नंबर पे कॉल करते रहने के लिए बोल के काट देता है, ताकि वैलरी को ये बिलीव हो जाए कि स्टीफन अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। सूरज डूब जाता है और शाम को वैलरी और स्टीफन दोनों डिनर करते हैं। वैलरी स्टीफन से पूछती है कि कितनी अजीब बात है कि कोई भी कभी भी शिल्टन मैनर में फोन नहीं उठाता है, पर स्टीफन इस बात को टाल देता है और फिर वैलरी उसको कन्फ्रंट करती है कि उसको अपनी माँ को मनाने की कोशिश करनी चाहिए और उसको अकेले इंग्लैंड जाके अपनी माँ से बात करनी चाहिए, और तब तक वो ऑस्टन में इसी होटल में उसके लिए वेट करेगी और स्टीफन मान जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक कार रुकती है, जहाँ से हंगेरियन काउंटेस एलिजाबेथ अपनी असिस्टेंट इलोना के साथ वहाँ पे आती है। काउंटेस को देख के पियर को ये याद आता है कि कैसे उसने काउंटेस को बचपन में भी देखा था और वो अभी भी पहले जैसी ही है, और वो ये देख कर बहुत घबरा जाता है। एलिजाबेथ पियर को बोलती है कि वो उसकी माँ होंगी जिसने उसको बचपन में देखा था। वो उससे रॉयल स्वीट भी बुक करने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि वहाँ पे पहले से ही वैलरी और स्टीफन रह रहे थे। पियर एलिजाबेथ को ये बताता है कि कपल कल ही चले जाएंगे, जिसको सुन के एलिजाबेथ को बुरा लगता है। एलिजाबेथ वैलरी और स्टीफन को बैठ के खाते हुए देख लेती है और तब वहाँ पे इलोना आ जाती है। एलिजाबेथ के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी स्टीफन और वैलरी को देखकर, और फिर वो उनके साइड वाले स्वीट में रहने के लिए मान जाती है। स्टीफन और वैलरी एलिजाबेथ और इलोना को उनकी तरफ देखते हुए देख लेते हैं, पर इग्नोर करके खाने लगते हैं। स्टीफन पियर के पास जाके बोलता है कि वो लोग कल नहीं जा रहे हैं, और वैलरी उससे एलिजाबेथ के बारे में पूछती है। यहाँ पर स्टीफन को एलिजाबेथ बैथरी नाम सुन के कुछ खटकता है। एलिजाबेथ और इलोना दोनों ही अपने स्वीट में होते हैं। इलोना स्टीफन और वैलरी को बाहर घूमते हुए देख लेती है और उसको बाहर जाने की जल्दी थी। एलिजाबेथ उसको मना कर देती है और वैलरी के बारे में बात करने लग जाती है। वो इलोना को अपने पास बुलाती है और एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि इलोना जेलस है। इलोना बोलती है कि काश वो मर सकती। एलिजाबेथ को लाइट बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए इलोना लाइट स्टैंड पे अपनी स्कार्फ रख देती है। अगले दिन सुबह स्टीफन शेव कर रहा होता है कि उसका गला कट जाता है। अपना खून देख के स्टीफन थोड़ा टेंस्ड हो जाता है और फिर वैलरी के पास बेड पे आता है। वैलरी लोकल न्यूज़पेपर से पढ़ के बताती है कि डूज में 3 लड़कियों की मौत हो चुकी थी और मौत गला कटने से हुई थी, किसी को भी कोई क्लू नहीं मिला था। इसके बाद स्टीफन और वैलरी सिटी में जाते हैं जहाँ पे एक और मर्डर होता है। सायरन की आवाज़ को फॉलो करने पे वो लोग मर्डर की साइट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक बंदा आके स्टीफन को क्राइम के बारे में बताने लगता है।
और बोलने लगता है कि वो वहाँ पे बेजान पड़ी होगी। और ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, उसके गले में बहुत सारे खुले घाव होंगे और उसमें एक बूंद भी खून नहीं होगा। ये सब सुन के स्टीफन के हाव भाव बदल जाते हैं। जब लड़की की लाश को बाहर लाया जाता है, स्टीफन उसके पीछे जाने लगता है। वैलेरी उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। फिर स्टीफन और वैलेरी दोनों ऑस्टेन के लिए बस में निकल जाते हैं। उनको वही आदमी जिसने मर्डर को डिटेल वे में स्टीफन को बताया था वो भी था। स्टीफन वैलेरी से बात करने की कोशिश करता है और वैलेरी उसको बताती है कि उसको स्टीफन से डर लगने लगा था क्योंकि उसने स्टीफन को देखा था। स्टीफन को एक अजीब खुशी महसूस हो रही थी वो मर्डर विक्टिम को देख के। ऑस्टिन में जोर का तूफान आ रहा था और होटल में इलोना एलिजाबेथ को छोड़ के जाने ही वाली थी, पर एलिजाबेथ उसको बातों में फंसा देती है और बोलती है कि वो एलिजाबेथ को छोड़ के नहीं जा सकती। पर वहाँ पे अचानक से स्टीफन और वैलेरी आ जाते हैं। एलिजाबेथ इशारे में इलोना को जाने के लिए बोलती है। एलिजाबेथ स्टीफन और वैलेरी को बुलाती है और बोलती है कि अच्छा हुआ उन्होंने एलिजाबेथ को इस बड़े से होटल में अकेले नहीं छोड़ा। और फिर स्टीफन और वैलेरी को एलिजाबेथ लॉन्च में उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। इससे पहले कि वो लोग एलिजाबेथ को मना कर पाए, एलिजाबेथ पियर को बुला के लॉन्च में ड्रिंक अरेंज कराती है और उन दोनों को चेंज करके आने के लिए बोलती है। जब स्टीफन और वैलेरी अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, पियर उनको बताता है कि काउंटेस वहाँ पे आके 40 साल पहले भी ठहरी थी और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। स्टीफन को भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो पियर को बोलता है कि शायद 40 साल पहले उसकी माँ होगी। वैलेरी, स्टीफन और एलिजाबेथ लॉन्च में बैठे होते हैं। एलिजाबेथ पहले स्टीफन और वैलेरी की तारीफ करती है और फिर खुद की, और थोड़ी देर में वहाँ पे इलोना भी आ जाती है। स्टीफन की नज़र इलोना पे पड़ती है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ को भी पता चल जाता है कि इलोना वहीं पे है और वो इलोना को उनके पास बुलाती है और एलिजाबेथ को शाम का न्यूज़पेपर भी देती है। जिसके बाद एलिजाबेथ स्टीफन को ब्रूज के बारे में पूछती है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ही स्टीफन और वैलेरी होते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है। ये वही आदमी होता है जिसने कि ब्रूज में स्टीफन को पूरा क्राइम डिटेल में बताया था। एलिजाबेथ बताती है कि ये आदमी एक पुलिसमैन है। वो पुलिसमैन एलिजाबेथ को याद दिलाता है कि कैसे वो उससे बहुत टाइम बाद मिल रहा है। एलिजाबेथ खुद को मिरर में देख रही थी पर मिरर के रिफ्लेक्शन में उसका शक्ल नहीं दिखता। वो पुलिसमैन अचानक से वैम्पायर्स के बारे में बात करने लगता है और एलिजाबेथ उसको भगा देती है। वैलेरी और एलिजाबेथ दोनों बात करने लगते हैं और एलिजाबेथ स्टीफन को अपने लिए ड्रिंक लाने के लिए भेज देती है, पर स्टीफन इलोना को एक स्माइल पास करके वापस आ जाता है और स्टीफन उनको बातों में ज्वाइन करता है। एलिजाबेथ बताने लगती है कि पुराने जमाने में लोग दूसरों का खून पिया करते थे यंग रहने के लिए। वहाँ पे अचानक से स्टीफन आता है और एलिजाबेथ बताती है कि वो अर्थबेट बैथरी की डिसेंडेंट है। बैथरी ने बहुत क्राइम्स किए थे, उनमें से कुछ यंग लड़कियों को मार के उनके खून में नहाना। वो क्राइम्स को एक्सप्लेन करती है और वैलेरी को ये सब बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है, पर स्टीफन को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वैलेरी चीख के उन दोनों को रुकने के लिए बोलती है पर वो लोग नहीं रुकते हैं और वैलेरी अपने कमरे में नहाने चली जाती है। इलोना वैलेरी को कमरे में जाते हुए देखती है और बालकनी में आके अंदर देखने की कोशिश करती है। वैलेरी बाहर चेक करती है और उसको इलोना दिखती है। वो डर के चीखने लगती है। सब लोग उसके कमरे में आते हैं और वैलेरी बोलती है कि बालकनी में कोई था। स्टीफन के चेक करने पर वहाँ पे कोई भी नहीं था और एलिजाबेथ इलोना को इंतजार करने के लिए बोलती है और सबसे झूठ बोलती है कि इलोना अपने कमरे में सो रही थी, उसे कुछ भी नहीं पता है। वैलेरी और स्टीफन रात को इंटीमेट होके सो जाते हैं और वैलेरी और इलोना उनको देखते हैं। अगले दिन सुबह स्टीफन शेल्टन मैनर में कॉल करके अपनी माँ, जो कि एक्चुअली एक मेल थी, उनको कॉल करके अपनी शादी के बारे में बताता है। मदर शादी के बारे में सुन के खुश नहीं होते हैं पर वो वैलेरी से मिलना जरूर चाहते हैं, जिसकी वजह से स्टीफन बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और वो वैलेरी को बुला के उसको बहुत मारने लगता है। वो वैलेरी को पीटने के बाद उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। वैलेरी अगली सुबह डिसाइड करती है कि वो ऑस्टिन और स्टीफन को छोड़ के चली जाएगी। वैलेरी को जाते हुए देख एलिजाबेथ उसके पीछे जाने लगती है। वो पुलिसमैन भी एलिजाबेथ से टकरा जाता है पर एलिजाबेथ उसको छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ ने जैसे इलोना को बोला था, इलोना वैसे ही स्टीफन के पास जाके उसको लुभाने की कोशिश करती है। वैलेरी को एलिजाबेथ रोक देती है और उसको ट्रेन में चढ़ने ही नहीं देती है, वो भी ये बोल के कि स्टीफन और वैलेरी यंग है, उन्हें एक साथ रहना चाहिए। वैलेरी और एलिजाबेथ दोनों शाम को एक साथ रहते हैं और बातें करते रहते हैं। वैलेरी को बाद में एलिजाबेथ ये बताती है कि अगर वो स्टीफन के
साथ रिश्ता बरकरार रखेगी तो स्टीफन उसे अपने नौकर जैसा बिहेव करेगा। स्टीफन और इलोना दोनों ही इंटीमेट होते हैं और एलिजाबेथ वैलरी के हाथों को किस करके उसको कन्फेस करती है कि वो वैलरी को चाहती है। वैलरी वहाँ से उठकर जाने लगती है पर एलिजाबेथ उसका रास्ता रोक देती है और फिर स्टीफन के पास लेकर जाती है। स्टीफन दूसरी तरफ इलोना को शावर में लेकर आता है। इधर इलोना शावर के पानी को देख के डर जाती है पर स्टीफन जबरदस्ती इलोना को शावर में लेकर आता है और शावर से भागते भागते इलोना के हाथों में लेजर लग जाता है और स्टीफन इलोना को नीचे खींच देता है जिसकी वजह से इलोना गलती से खुद को स्टैब कर देती है। इलोना और स्टीफन को इस हालत में वैलरी देख लेती है और वो किसी को बुलाने जाने वाली होती है कि एलिजाबेथ उसको रोक देती है और उसको किस करती है। किस करने के बाद उसके लिप से खून निकलना शुरू हो जाता है। वैलरी, स्टीफन और एलिजाबेथ इलोना की लाश को एक प्लास्टिक में रैप करके कहीं दूर जाके गाड़ देते हैं और ये सब वो पुलिसमैन देख रहा होता है। जब स्टीफन अकेले ही इलोना के शरीर को गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है एलिजाबेथ इलोना के लाश को स्टीफन के ऊपर फेंक देती है जिसके बाद स्टीफन भी वही उस गड्ढे में अटक जाता है पर वैलरी उसको निकाल देती है। वो पुलिसमैन सब कुछ दूर से ही देख रहा होता है और एलिजाबेथ जल्दबाजी में पुलिसमैन को मार के गिरा देती है। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचते हैं एलिजाबेथ वैलरी को अपने कमरे में ले जाती है और स्टीफन को उसके कमरे में भेज देती है। एलिजाबेथ और वैलरी इंटीमेट होते हैं और वैलरी एलिजाबेथ के स्पेल में आकर स्टीफन को एलिजाबेथ के पास बुलाने आती है। स्टीफन उसको बोलता है कि उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। वैलरी बोलती है कि जब वो एलिजाबेथ के पास होती है उसको कुछ अलग फील होता है और वो स्टीफन को हग करती है। स्टीफन बैग्स पैक करके जाने की तैयारी करता है और तब वहाँ पे एलिजाबेथ आ जाती है। एलिजाबेथ को स्टीफन बोलता है कि वो लोग उनके साथ डिनर नहीं कर पाएंगे और एलिजाबेथ स्टीफन को रोकने की कोशिश करती है। वैलरी जो कि थोड़ी देर पहले एलिजाबेथ को नहीं चाहती थी अब पूछने पे उसको चाहने लगी थी। वैलरी फिर से एलिजाबेथ के स्पेल में आ गई थी। एलिजाबेथ स्टीफन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा पर स्टीफन नहीं मानता। एलिजाबेथ बातों में ही उसको बता देती है कि उसका नाम बैथरी है और वो एक वैम्पायर नहीं है, वो बस एक कैरेक्टर है। और फिर स्टीफन उसके मुंह से निकलवा लेता है कि वो ब्रूज में थी और जिस वीक में वो ब्रूज में थी उसी वीक में वो 4 मर्डर्स हुए थे। ये सुनके एलिजाबेथ का रंग सफेद पड़ जाता है। स्टीफन वैलरी को किस करने की कोशिश करता है पर वैलरी उसको इग्नोर कर देती है और एलिजाबेथ के पास चली जाती है। एलिजाबेथ जब वैलरी को बोलती है तब वो जाके स्टीफन को किस करती है पर तब भी वो स्टीफन पे इलोना की मौत से और चीटिंग की वजह से उस पर नाराज रहती है। स्टीफन एलिजाबेथ के ऊपर सारे ब्लेम डालता है और वैलरी को खींच के ले जाने की कोशिश करता है पर वैलरी जाना नहीं चाहती थी इसलिए एलिजाबेथ से मदद मांगती है। एलिजाबेथ स्टीफन के सर के ऊपर एक कांच का टुकड़ा रख के उसको तोड़ के उसको मार देती है और स्टीफन के हाथों से खून बहने लगता है जो कि एलिजाबेथ और वैलरी दोनों ही पी लेते हैं। यानी कि यहाँ पर एलिजाबेथ ने भी वैलरी को वैम्पायर बना दिया था। उसी रात वैलरी और एलिजाबेथ स्टीफन की बॉडी को सी साइड में फेंक के चले जाते हैं। कार वैलरी चला रही थी और एलिजाबेथ कार को बहुत ही तेज चलाने बोलती है क्योंकि सुबह बहुत ही जल्दी होने वाली थी। कार का कंट्रोल खो जाता है क्योंकि अचानक से सूरज की रोशनी दोनों वैलरी और एलिजाबेथ पे गिरने लगती है और कार क्रैश हो जाती है जिससे एलिजाबेथ कार के बाहर निकल जाती है और पेड़ का एक टुकड़ा उसके हार्ट में घुस जाता है जिसके बाद कार में एक्सप्लोजन होता है और उसकी बॉडी जल जाती है। फिर कुछ महीने बाद हमें वैलरी एक कपल को कहीं पे ले जाते हुए दिखती है और वो बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी चीज करने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी एक वैम्पायर एलिजाबेथ बैथरी के बारे में होती है जिसे की लड़कियाँ पसंद थी और उसने इलोना को ऑलरेडी अपने जाल में फंसाया हुआ था।